हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज दीपक शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एएस एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है एएस एकेडमी। यहां पर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपीएसआई, वन रक्षक, एसएससी, एमटीएस, एयरफोर्स, एक्सपाई ट्रेड, एनी अदर एग्जाम जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नाम टॉपिक है जिसको हम आज शुरू करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको नाउ से। चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं नाउ। इसका एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास थी, है ना। उस क्लास में थोड़ा सा इंट्रो हुआ था इसका, अगर आपको याद हो तो मुझे बताओ जरा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जो भी मुझको लाइव देख रहे हैं उनको सब मेरा हेलो है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया मैंने आपको नाउन, वहां मैंने नाउन का एक इंट्रोडक्शन भर दिया था आपको सभी पार्ट ऑफ स्पीच का, और मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इनके डिटेल टॉपिक फुल कंसेप्ट के साथ और पूरी की पूरी प्रैक्टिस के साथ मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो ये है आपके लिए पहला टॉपिक नाउन। इससे पहले हम आर्टिकल का टॉपिक फिनिश कर चुके हैं, आप उसको एक बार जरूर देखें। नाउन के बारे में बात करते हैं, सिंपल डेफिनेशन आपको आती है ना। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, करेक्ट है आपकी डेफिनेशन। नाउन के टाइप होते हैं, अगर बात करें हम टाइप की तो ये पहला टाइप होता है प्रॉपर नाउन। पहला टाइप है आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा टाइप है कॉमन, आप किसी भी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए इक्वली इंपोर्टेंट है ये क्लास। इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, इसके बाद कहीं भी कोई भी बुक नाउन से संबंधित आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मेरा वादा है। तीसरी आपकी नाउन है जिसको आप कह सकते हो कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये आपकी काउंटेबल नाउन है, ये दोनों की दोनों आपकी अनकाउंटेबल है। कलेक्टिव नाउन से हमारा मतलब है जिनको हम समूह के रूप में देखते हैं, और कॉमन नाउन है ना, ये दोनों की दोनों काउंटेबल है और ये दोनों अनकाउंटेबल है। प्रॉपर को भी हम अनकाउंटेबल में रखते हैं। यहां से बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, है ना। थोड़ा सा जानकारी इनके बारे में दे दूं मैं आपको, मटेरियल होता है पदार्थवाचक, जितने भी मैटर हैं, केमिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है, पदार्थ किसे कहते हैं, तो जितने भी मैटर हैं जिनमें द्रव्यमान होता है, कुछ भार होता है, वजन होता है, वो सारे के सारे इसमें आएंगे। जैसे मिल्क के बारे में बात करूं, वाटर हुआ, रेत हुआ, सुगर हुआ, राइस हुआ, ये सब हमारे किसमें आएंगे, मटेरियल नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा, क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। इसमें आपकी फीलिंग्स आएंगी, ऐसी नाउन जिनको हम केवल फील करते हैं, टच नहीं कर सकते हैं,
और आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, दैट कैन नॉट बी सीन, इसको बोलेंगे दैट कैन नॉट बी सीन, दैट कैन नॉट बी सीन, जिसको देख नहीं सकते केवल फील कर सकते हैं, ओनली फील, ओनली फील कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट ना हो, जैसे आपका हुआ ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी एटसेट्रा, ये हमारे नाउन का परिचय है। नंबर्स के बारे में बात करते हैं, अगर कोई नाउन है वो काउंटेबल है, कैसी है, काउंटेबल, तो वो नंबर्स आएंगे उसमें सिंगुलर प्लूरल, जिस चीज को हम गिन सकते हैं वो संख्या में या तो एक होगी या एक से ज्यादा होगी। अगर जिसको हम गिन पा रहे हैं जिस नाउन को वो संख्या में एक है तो उसको कहेंगे सिंगुलर, क्या कहेंगे उसको, सिंगुलर कहेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एस सी एन, और इसके साथ हमेशा आर्टिकल ए या एन का यूज करना पड़ेगा आपको। सिंगुलर प्लूरल, यही तो हमारे नंबर्स होते हैं, नाउन एंड नंबर्स के बारे में बात करते हैं, तो एक वचन और बहुवचन, अगर काउंटेबल है संख्या में एक है तो एक वचन, एक से ज्यादा है दैट इज प्लूरल या बहुवचन। जैसे मैं बात करूं बॉय, इसको हम काउंट कर सकते हैं, बॉय को हम काउंट कर सकते हैं, ये कॉमन नाउन है। जातवाचक मतलब पूरे जितने भी बॉय हैं उनको कहेंगे बॉय या बॉयज, काउंट कर सकते हैं, तो ए बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसलिए ए लगा दिया आर्टिकल हमने, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, पी सी एन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। आई होप आप सिंगुलर प्लूरल समझ गए होंगे। यहां से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, अंग्रेजी में दो प्रकार की होती है, सिंगुलर नंबर एक वचन और प्लूरल नंबर। जब एक कोई सिंगल डिजिट को डिनोट करेगी हमारी नाउन, दैट इज सिंगुलर नंबर। ए बुक काउंटेबल है, इसका प्लूरल बन जाएगा, बुक्स हो जाएगा। पेन, एन ऑरेटर, ऑरेटर माने वक्ता होता है, ऑरेटर का मतलब होता है वक्ता, जो कोई भी मौखिक रूप से बात कह रहा है, मुख से कोई भी बात कह रहा है वो ऑरेटर होगा। जब किसी नाउन से दो या दो से अधिक, जैसे बताया मैंने एक से अधिक हो, है ना, व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, स्थान के बारे में बात हो, तो उसे प्लूरल नाउन कहते हैं। इसे बॉय का हमने कर दिया, बॉयज, गर्ल्स, पेंसिल्स, काउच, तो ये संख्या में एक से ज्यादा है इसलिए इसको हम कहेंगे प्लूरल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तथा मटेरियल, इनके बारे में बताया मैंने आपको। पदार्थवाचक कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, पदार्थवाचक। एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाव, फीलिंग, और नेक्स्ट है आपका प्रॉपर माने व्यक्तिवाचक। कमेंट में मुझे बताइए आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझे, आपके सारे डाउट का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। प्रॉपर नाउन कभी भी मटेरियल भी एब्स्ट्रैक्ट भी ये कभी प्लूरल नहीं होंगी। प्रॉपर मतलब किसी एक व्यक्ति तक सीमित हो, प्रॉपर नाउन का मतलब है किसी एक स्थान पर, पर्टिकुलर एक स्थान के बारे में बात होगी। जैसे मैं बात करूं, अगर कहूं मैं दीपक, तो किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, केवल सिंगल व्यक्ति तक सीमित है। अगर मैं बात करूं शहर की, भोपाल, केवल भोपाल शहर की बात हो रही है, तो किसी पर्टिकुलर सेल्फ, एक व्यक्ति के बारे में बात हो, व्यक्तिवाचक। जैसे राम, मोहन, मैं कह दूं भोपाल, किसी भी एक व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, संस्था का नाम, मैं बोलूं एएस एकेडमी, एएस एकेडमी क्या है, पर्सनल है।
आई होप आप समझ गए होंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा क्या होगी, देखो जरा, हाइट, लेंथ, जिसको हम ऑनेस्टी फील करेंगे, ब्रेवरी, ब्यूटी, खूबसूरती, प्यार, हालांकि ये वर्ब भी होता है, लव, हेट, घृणा, ये वर्ब के साथ साथ में नाउन भी है। मेटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, जिसमें मैंने आपको था टी, वाटर, है ना, चाय, जो पदार्थ है उसमें क्या, चाय पत्ती होती है, सुगर होती है, वाटर होता है, मिल्क होता है, तो ये सब सब क्या है, मटेरियल है, पदार्थ है, उसको कहेंगे हम पदार्थवाचक संज्ञा। इनके साथ में कभी भी आप ए या एन आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, इनके साथ केवल केवल द आर्टिकल यूज होता है, याद रखें। ये मैं आपको आर्टिकल वाले टॉपिक में भी पढ़ाया है और फिर से बता रहा हूं आपको, इनके साथ में आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करेंगे। ए राम कभी देखा आपने, नहीं देखा होगा, अनस्टी नहीं देखा होगा कभी भी, अ टी, अ वाटर नहीं देखा होगा कभी। इसी प्रकार चले आगे बढ़ते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, है ना, जो तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स की, डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपकी टेट परीक्षा है, यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ, या दिल्ली, जो दिल्ली में टीचर बनते हैं उनकी परीक्षा होती है, है ना, सुपर टेट हुआ जो यूपी में होता है, उन परीक्षा में डायरेक्टली यही से क्वेश्चन आता है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने कैसे बनाएंगे, किसका सिंगुलर क्या होगा, इसका प्लूरल क्या होगा। इसके साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जिनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश आती है 15 से 20 नंबर की या 25 नंबर की, तो वहां भी क्वेश्चन आते हैं। एक बात याद रखिए, सिर्फ सिर्फ काउंटेबल नाउन का प्लूरल बनेगा, सिर्फ सिर्फ काउंटेबल नाउन का ही प्लूरल बनेगा। जैसे बॉय, तो बॉय में सिंपली हम एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं, सिंपली आपको क्या करना है, एस लगा देना है। गर्ल, गर्ल में गर्ल्स हो गया, लड़की लड़कियां, काओ काओज हो गया, सिंपल सा रूल है, आप सब जानते हैं इसको। कुछ रूल्स और भी हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो जरा, अगर आपको जो नाउन है, आपका जो नाउन है, जैसे बॉय, बॉय में क्या था लास्ट में, वाई, गर्ल लास्ट में क्या था, एल, अगर नाउन के अंत में एस दिख जाए आपको, एस, एक्स, सी एच, एस एच, जेड और डबल एस, तो हम लास्ट में एस न लगाते हुए क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे ई एस। बहुत प्यारा सा रूल है, आपने एकेडमिक में भी पढ़ा होगा, जो एकेडमिक के बच्चे मुझे देख रहे हैं तो उनके लिए फिर से समझ लो आप इसको, लास्ट में देखना, देखो बस एस लगा हुआ है तो ई एस एड कर देंगे हम इसमें प्लूरल बनाने के लिए, एक्स, अगर एक्स आ रहा है तो ई एस एड कर देंगे लास्ट में, सी एच आ रहा है तो भी ई एस एड करेंगे, एस एच आ रहा है तो बस, बसेस, है ना, बस की स्पेलिंग गलत है, एस क्या है, ब्रश होगा, ब्रश कर लो, बी आर यू एस एच कर लो इसको, अब सही हो जाएगा, ब्रशेस, टोपाज, क्लास, क्लासेस, है ना, तो ये सब दिख जाए आपको, तो आपको प्लूरल कैसे बनाओगे, आप उसमें ई एस एड कर दोगे, बस सिंपली ई एस एड करना है। जनरल रूल कहता है एस एड करो, और अगर ये लास्ट में है लेटर तो ई एस एड करेंगे। कुछ नाउन में कहते हैं आपको सी एच भी मिलेगा, उनका उच्चारण क की तरह हो, सी एच हो लास्ट में लेकिन क की तरह उच्चारण हो, प्रोनाउंसिस करेंगे हिंदी का आ रहा हो तो केवल एस, स्टमक, लास्ट में सी एच दिख रहा है, देखो डब्ल्यू ए टी सी एच, वॉच माने घड़ी, तो यहां उच्चारण क्या है, वॉच, च, च उच्चारण है तो वॉच एच, ई एस लगाएंगे, राइट। अगर उच्चारण का आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, स्टमक, स्टमक, अगर प्रोनाउंसिएशन का आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे,
हम केवल एस लगाएंगे, स्टमक, स्टमक माने होता है पेट, उधर मोनार्क, मोनार्क्स राजा होता है, मोनार्क माने होता है राजा, मोनार्क माने होता है राजा। आपका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, क होना चाहिए, कौंच, कौंच। नेक्स्ट रूल कहता है अगर कोई नाउन, अगर कोई नाउन वाई से खत्म हो और वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट हो, मैंने बता दूंगा आप बॉय खत्म होने को, तो ये भी वाई पे खत्म हो रहा है लेकिन वाई से पहले क्या है, वॉवेल है। अगर वाई से पहले आपको कॉन्सोनेंट मिल जाए, क्या मिल जाए, वाई से पहले कॉन्सोनेंट, देखो जरा वाई रहा, वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो उस वाई को हटा करके आईईएस, क्या ऐड करेंगे, आईईएस, बहुत प्यारा रूल है ये, आता आपके एग्जाम में, आर्मी का आर्मीज हो जाएगा, आर्मी का क्या हो जाएगा, आर्मीज, लेडी, लेडी माने महिला, देखो वाई से पहले क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, तो लेडीज, बेबी, बेबी का बेबीज, देखो जरा सिटी, सिटीज, फ्लाई मक्खी होती है, स्टोरी बने कहानी होती है। तो आई होप ये रूल भी क्लियर हुआ होगा, एकेडमिक में फिर भी पढ़े आपने, फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं आपको, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस हमने बेसिक टू एडवांस तैयार किया है, सरल से सरल रूल भी होगा, डिफिकल्ट लेवल जितना भी हो सकता है सारे का सारा कवर कराया जाएगा आपको यहां पर। बने रहिए हमारे साथ, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी जो मैं बार बार करता हूं, आप हमारा हौसला बढ़ाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, यहां पर आपको पीडीएफ मिलेंगी फ्री, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे हमारा हौसला बढ़ेगा और नए नए वीडियो विद फुल कंटेंट। अगर वाई से पहले वोवेल हो तो उस नाउन में केवल एस, जैसे हम देख चुके हैं इसको, डे, डेज, टॉय, टॉयज, है ना, वोवेल हो तो हमें कुछ नहीं करना, केवल एस ऐड करना है। अगर कॉन्सोनेंट हो वाई से पहले तो वाई को हटा देंगे और आईईएस लगा देंगे। नाउन के अंत में यदि ओ हो, क्या हो, ओ, और उसमें ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, मैंगो का मैंगोज, पोटैटो माने आलू, आलू का आलू, बहुत सारे हो गए, हीरो, है ना, अंत में ओ देखेगा, ओ से मैं ईएस लगा दो बस, मॉस्किटो, ये पूछा हुआ एग्जाम में, मॉस्किटो, है ना, मॉस्किटो माने होता है मच्छर, इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद कर ले आप। एमपी स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए तो रामबाण क्लास है ये, दैट इज पेनेसिया, रामबाण बोलते हैं पेनेसिया। रामबाण, तो रामबाण क्लास होने वाली है हमारी, ये एमपी स्टेट एग्जाम, एसआई, एमपी एसआई वन रक्षक। और अभी अभी आप एक खुशखबरी दे दूं आपको मैं, पीईबी का कैलेंडर अपडेट हो चुका है, आप उसको विजिट कीजिए, बहुत सारी वैकेंसी आई है, ये चुनावी साल है तो वैकेंसियों की भरमार होने वाली है। पीईबी पे जितनी परीक्षाएं हैं, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, ग्रुप फाइव, इन सब में अंग्रेजी पूछी जाएगी, और जितनी भी अंग्रेजी पूछी जाएगी एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। मेरे साथ बने रहिए। फोटो, ये इसके कुछ अपवाद में, फोटो का फोटो जो होता है, किलो का किलो जो होता है, पियानो का पियानो जो होता है, ये कुछ एक्सेप्शन है, ये रूल लगेगा, लेकिन इनके अलावा ये तीन शब्द आते हैं तो इनको भी याद रखें। फोटो का फोटो जो होता है, ईएस नहीं लगता, एस लगता है केवल। लेकिन अंत में हमको दो ओ मिल जाए या आई ओ मिल जाए, ई ओ मिल जाए, वाई ओ मिल जाए, तो उनके पहले एक कॉन्सोनेंट हो, ये मिले इनसे पहले कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल एस लगाकर, बंबू, देखो डबल ओ है तो इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, बंबू माने होता है बांस, कुकू, कुकूज, स्टूडियो, आई ओ आर है और एक व्यंजन है स्टूडियोज, रेडियोज, अच्छे से दिमाग में बैठा लो इसको, बार बार आप देखोगे आपके जहन में जमा हो जाएगी ये वस्तुएं,
ये रूल्स आपके जेल में बच जाएंगे। अपवाद, चीफ का चीप्स होता है, ड्वार्फ माने बोना, प्रूफ माने सबूत। आप यकीन मानिए आपके सिलेबस को याद करके ये सारी पीडीएफ आपको तैयार कराई जा रही है। सेफ, सेफ, सेफ में हमारी तिजोरी होता है, बिलीफ माने होता है विश्वास, बिलीफ माने होता है विश्वास। ग्रीफ माने कोई शोक वाली कंडीशन हो, ग्रीफ माने इसको क्या हिंदी में बोल सकते हैं, किसी को सदमा बैठा हो, है ना, सदमा। दुख हो सकता है, दुख, कोविड में कई लोग बिछड़ गए, कई लोगों के परिवारों में बहुत कम लोग बचे हैं, तो उसको बोला ग्रीफ, है ना। स्टाफ, स्टाफ माने साथ सहयोगी काम करने वाले हैं, तो ये अपवाद भी याद रखेंगे आप। कुछ नाउन ऐसे हैं कि उसके अंदर के वॉवेल को चेंज करेंगे हम, जैसे एक एग्जांपल ये बहुत आता है देखने को, मैन का एम ई एन, प्लूरल क्या बनता है, मैन का एम ई एन हो जाता है, तो अंदर वाले जो वॉवेल है उनकी हेरा फेरी होगी। देखो जरा, फुट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगुलर ये होता है, एफ डबल ओ टी, फुट माने पैर, पैर के बारे में बात हो रही है। गूज, हंस, तो गीज, देखो डबल ओ जो इंटरनल वॉवेल है उसका डबल ओ का डबल ई कर दिया है। मैन वुमन एक तरीके से है, ए का ई कर दिया लास्ट में। जू, लाउस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया एग्जाम में ये। लाइस, माउस का पूछा गया है, माइस। टूथ, ये भी पूछा गया है, टूथ, टूथ माने दांत होते हैं, टीथ इसका प्लूरल होता है। डॉर्माउस, एमओ को एम आई सी कर देंगे। आई होप ये याद रहेंगे आपको। फुट का फीट होता है ये अच्छे से, मैन का एम ई एन होता है, और टूथ का टीथ होता है। माउस वाला पूछा गया है कई बार एग्जाम में, तो अगर ये माउस वाला पूछा गया तो ये भी पूछ सकता है। बी प्रिपेयर्ड, पी भी है, कई शिफ्ट में पेपर होता है, तोते उड़ा देगा आपके अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो। कोई भी चीज जमे छोड़नी नहीं है। अगर आप लोगों ने तैयारी देखा हो, एमपी टीईटी का पेपर हुआ था, इतना हार्ड लेवल का पूछा गया था आपका ईवीएस, जो कि बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा साइंटिस्ट बना दिया था आपको उसमें, इतने अपर लेवल का पूछा गया था उसमें, तो हम कह नहीं सकते आप हमका सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, है ना, तो कितना भी डीप जा सकता है। इसलिए हम अपनी तैयारी बिल्कुल अंदर तक करेंगे, डीप में भी जाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। कुछ नाउन ऐसे हैं जिसमें ईएन जोड़ करके, जैसे ऑक्स, ऑक्स माने होता है बैल, ऑक्स माने होता है बैल, तो ऑक्स का ऑक्स बन गया। चाइल्ड, चाइल्ड माने बच्चा, तो चिल्ड्रन बना दिया। ब्रदर, ब्रदरेन बना दिया, ठीक, तो ब्रदर का ब्रदर्स भी होता है, ब्रदरेन होता है, ठीक। हालांकि ब्रदर और ब्रदर का अंतर मैं आपको समझा दूंगा। ब्रदर माने होता है भाईचारे वाला भाई, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, है ना, तो वो वाले भाई ब्रदरेन होते हैं। और ब्रदर जैसे राम, राम के भाई लक्ष्मण, है ना, सगे भाई, ब्लड रिलेशन वाले भाई। कंपाउंड नाउन, यहां से कुछ ना आता है, एमपी में कई बार क्वेश्चन पूछे गए कंपाउंड नाउन से, है ना, उनके मुख्य शब्द का प्लूरल बनाकर पूरे नाउन का प्लूरल बन जाता है, क्या मुख्य शब्द। अब मुख्य शब्द देखो जरा, देखो स्टेप, स्टेप ये मुख्य नहीं है, सन मैन है भाई, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, स्टेप फादर, स्टेप मदर, तो ये मैंने इसकी मुख्य भूमिका है। स्टेप तो कॉमन है सब में, राइट, समझ रहे हो, स्टेप कॉमन शब्द है, ये मुख्य शब्द है, तो इसमें हम एस लगाएंगे। स्टेप का स्टेप सन, स्टेप मदर का क्या जाएगा, स्टेप कॉमन है, मदर हो जाएगा, फादर हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो आपको ये मेन शब्द है, ये तो कॉमन है सब में, तो स्टेप मदर्स। स्टेप मदर्स वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है, है ना, यहां तो एक ही मां होती है, उमा सबसे बड़ी होती है, तो स्टेप मदर वाला कम से हमारे यहां नहीं चलता है, है ना। इनके अब वेस्टर्न कल्चर आते जा रहा है इंडिया में, तो कहीं हो गई हो तो हो गई हूं, है ना,
हमारे एक ही माँ होती है। तो ये कल्चर आपको यूके यूएसए वहां मिलेगा, एक दो तीन चार माएं होती हैं, तो स्टेप मदर्स हो जाता है, ठीक, यहां नहीं है। तो चीफ कॉमन मिनिस्टर हो सकता है ना, तो मिनिस्टर्स कर देंगे इसका हम, क्या कर देंगे, मिनिस्टर्स। कोर्ट मार्शल, तो मार्शल्स है, कोर्ट्स, कोर्ट्स इसमें लगेगा, ठीक है। मेड सर्वेंट, एम आई डी, सो सर्वेंट्स है ना, मेड सर्वेंट्स ऐसे बनेगा। कोर्ट मार्शल को याद रखना, अगर कंपाउंड नाउन का प्रीपोजिशन आए तो, अगर कंपाउंड इस प्रकार से कमांडर इन चीफ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ऐसे ऐसे आ रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले प्रीपोजिशन के पहले, प्रीपोजिशन के पहले जो शब्द है ना, उसमें ऐसे लगाएंगे। तो कमांडर, देखो प्रीपोजिशन से पहले कमांडर, तो कमांडर इन चीफ, कमांडर्स कर दिया, कमांडर्स इन चीफ। ब्रदर इन लॉ, तो इन प्रीपोजिशन से पहले फादर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, लॉज ना कर देना, लॉज गलत होगा। ब्रदर इन लॉज गलत है, इसमें ऐसा नहीं लगेगा, कैसा ही होगा, ब्रदर इन लॉ, इसमें ऐसे लगा, ब्रदर्स इन लॉ, क्लियर है, समझ में आया, ये वाला सही है, ये गलत है। पासर, तो पासर्स बाय, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, गुजरने वाले, कहीं से गुजर रहे हो, गलियों से, सड़कों से, गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना सा काम करेगी, बहुत अच्छा गाना था बॉर्डर मूवी का। तो कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है, ठीक है, तो पासर्स बाय का मतलब समझ में आ गया, गुजरने वाली, कहीं से गुजर रहे हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है जिनके दोनों पदों को प्लूरल बना करके, अब इनमें दोनों में लगेगा, देखो मैन का क्या बनेगा, एम ई एन हो जाएगा, सर्वेंट का सर्वेंट्स, तो मैन सर्वेंट्स, तो एस लग गया ये और ई हो गया, कॉमन सर्वेंट्स, तो कॉमन एम ई एन कर दिया, सर्वेंट्स हो गया। लॉर्ड्स जस्टिस दोनों में लगे, लॉर्ड्स जस्टिस क्या रहेगा, पोस्टमैन का देख लो, पोस्ट, पोस्ट को वैसा ही एम ई एन कर दिया, एम का ई, मिल्क मैन, तो मिल्क एम ई एन सही है। देखो ये रूल्स क्या है ना, फिक्स है, इंग्लिश लैंग्वेज से हमने लिए हैं तो उनके अनुसार ये बनाए गए हैं, है ना। तो ये हमको थोड़ा सा ये समझ लो, आपके थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस कीजिए और रूटीन में आ जाएगा तो याद हो जाएगा। कुछ भाषा के नाउन और उनका प्लूरल, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है भैया एसएससी में, एसएससी में कई बार पूछा गया है ना। अब अगर ये शब्द लगा हुआ है ये, तो इसको सर प्लूरल आएगा, इसका सिंगुलर ये होता है, ठीक, तो इनके साथ क्या वर्ब यूज करें, कभी कभी क्या करता है वो, ये नाउन है सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो इस पे लिख देगा ये और लगा देगा इज, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे लगे ये होना चाहिए एजेंडा, तो उसके प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, तो एजेंडम, डी यू एम, यू एम वाला सिंगल है, डी ए वाला प्लूरल है। पेंडुलम, तो पेंडुलास प्लूरल है। एक्सिस, तो एक्सिस ये प्लूरल है। बैंडिट, तो बैंडिटी, बैंडिट्स ये प्लूरल है। बैक्टीरियम, तो इसके साथ हमेशा आर आएगा, बैक्टीरिया आर, ये प्लूरल होता है, ठीक, ये राइट हो जाएगा, आर लगा देना राइट हो जाएगा, ये इज गलत है। तो बैक्टीरियम सिंगल, बैक्टीरिया की बात होगी तो ये आएगा। क्राइटेरिया, कसौटी मतलब क्या क्या पैमाने हैं, तो क्राइटेरिया जो रियल है और रिया है ये। फॉर्मूला, ये पूछा गया फॉर्मूला, फॉर्मूली याद रख लो, फॉर्मूला फॉर्मूली, ठीक है, तो फॉर्मूला ये है, तो यहाँ पर इज आएगा, वर्ब क्या आएगा, यहाँ पर वर्ब का यूज करेंगे तो इज वर्ब आएगा। आई होप ये चीजें क्लियर है आपको, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्वेश्चन में पूछ सकते हो। कुछ मटेरियल नाउन, रूल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं हम। मटेरियल नाउन गिनती नहीं होती है तो ये कैसी अनकाउंटेबल है,
इसकी गिनती नहीं होती, अनकाउंटेबल, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अच्छा, मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन उनमें एस लगा दिया जाए तो कभी कभी अर्थ बदल जाता है। हालांकि हम उसमें एस नहीं लगाते, वो शब्द ही अलग होता है, लेकिन आप इस तरीके से पढ़ लो। आप सेंड, अगर सेंड का प्रयोग हुआ है तो सेंड का मतलब बालू या रेत। अगर सेंड शब्द का प्रयोग हुआ है तो सेंड का मतलब है बालू या रेत। अगर मैं सेंड्स कर दूं तो इसका प्लूरल नहीं बनाइए, ये अपने आप में एक अलग शब्द है जिसका मतलब होता है मरुस्थल, डेजर्ट। अगर आयरन लिखा है तो आयरन माने लोहा, और आयरन से लिख दिया होता है हथकड़ी, जो कैदियों को, प्रिजनर्स को पहनाई जाती है वो हथकड़ी। कॉपर, तांबा, और कॉपर से लिख दिया तो कॉपर का मतलब होता है तांबे के सिक्के। लैंड माने धरती, जमीन, लैंड बोलते हैं देशों को। वुड माने लकड़ी, तो वुड्स माने क्या आ गया, जंगल, लकड़ियां नहीं है, वुड्स माने जंगल होता है। कलर माने रंग, COLOUR मिला, LOR भी मिल जाता कभी कभी। कलर्स करते तो बहुत सारे रंग नहीं है, इसका मतलब कलर्स माने झंडे, अलग अलग देश के झंडे होते हैं, ठीक है। तो यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बस आलो, सेंड माने रेत, सेंड्स माने मरुस्थल, ठीक है। फोर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, फोर्स भी, फोर्सेस भी देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो जरा, उसमें नहीं था फोर्स ऑफ फोर्सेस, फोर्स का मतलब था बल, इसको ऐड कर लेना उसमें, और फोर्सेस, फोर्सेस मतलब सेना है। सेना कौन कौन सी, नेवी, एयरफोर्स, एक आर्मी, जल, थल, वायु, जल सेना, वायु सेना, थल सेना। तो अबाउट लॉसेज इट्स फोर्स व्हेन इट कम्स टू द ग्राउंड, अगर किसी बैट्समैन ने शॉट मारा है उठा करके, है ना, माने रोहित शर्मा ने अच्छी बॉल हिट कर दी जम के, अब बॉल ऊपर गई का ऊंचा इस नीचे आ गई तो फोर्स को लॉस करेगी, ये बॉल है यहां से यहां गई और लॉक करेगी फोर्स को, तो यहां नीचे ग्राउंड पाएगी कि नहीं आएगी, तो यहां मतलब फोर्स का मतलब बल, यहां फोर्स का मतलब क्या है, बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये बहुत सारे बल नहीं है इसका मतलब, देखो ना वाक्य को पढ़ो, द फोर्सेज आर सेंट, देखो आर लिखा है तो मतलब प्लूरल है, कौन कौन सी, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी। द फोर्सेज आर सेंट टू द बॉर्डर, बॉर्डर मतलब सीमा पर भेजी गई, तो सीमा पर क्या बल भेज जाएगा, ये सेना भेजी जाएंगी, तीनों की तीनों सेना है, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, तो यहां इसके फोर्सेस का मतलब है सेनाएं, तो क्या मतलब है सेनाएं। आई होप आपको ये रूल क्लियर हुआ होगा, रूल क्या करे, ये वोकैब है, इसको अच्छे से याद रखें आप, कि सेंड और सेंड का उपयोग कैसे करना है, वाटर, वाटर से कैसे करना है, वाटर भी है क्या इसमें, नहीं है, चलो मैं दिखा देता हूं आपको। वाटर माने होता है पानी, वाटर्स माने होता है समुद्र, वाटर माने होता है पानी, लिखिए जरा, वाटर्स, वाटर्स का मतलब होता है समुद्र, वाटर का प्लूरल नहीं है, ये ना कहें आपके सर आपने तो मटेरियल नाउन का प्लूरल बनाया, नहीं, ये शब्द भी अलग है, ये भी अलग है, जैसे इस प्रकार से ये बना है वैसे ये बना है। We should do our work. बहुत बढ़िया, वर्क भी लिख लो जरा, लिख लो वर्क को, वर्क माने होता काम या कार्य, और वर्क्स लिखा हुआ है इसका मतलब होता है साहित्यिक रचना है, इसका मतलब होता है साहित्यिक रचनाएं, याद रहेगा साहित्यिक रचनाएं। We should do our work. हमें अपना कार्य करना चाहिए, तो इसका मतलब है काम, हमें अपना कार्य करना चाहिए, हमें अपना कार्य करना चाहिए, लेकिन इस वर्क्स का मतलब वाक्य अर्थ निकालो, द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, ये सब जानते हैं शेक्सपियर क्या है, एक
महान कवि है, लेखक हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, तो द वर्क्स इसका मतलब साहित्यिक रचना है, इसका मतलब है साहित्यिक रचनाएं किसकी, शेक्सपियर की, शेक्सपियर की साहित्यिक रचनाएं बहुत अच्छी है। शेक्सपियर के नाटक का नाम बता दो मुझे, अगर आप तैयारी करें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तो आपके लिए क्वेश्चन है, शेक्सपियर के कोई भी आपको रचना याद हो उसको कमेंट में लिखिए जरा, मैं देखूंगा आपकी शेक्सपियर की रचनाएं। हैमलेट, हैमलेट मुझे याद है, और कोई बताओ आपको हो तो, शेक्सपियर का नाटक रोमियो जूलियट शेक्सपियर का नाटक था, तो ये साहित्य रचना मतलब कौन सी, रोमियो जूलियट का नाम था, रोमियो जूलियट थी शेक्सपियर की, रोमियो जूलियट, बहुत बहुत रोमांटिक रोमांटिक इन्होंने वक्स की है, वक्स मतलब साहित्यिक रचनाएं की हैं, ठीक है। लैला मजनू इसकी नहीं है, वो तो इंडिया की देन है, हीर राजा लैला मजनू, ठीक है। तो आई होप इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, ये हमारा नाउन की पहली क्लास थी, लेक्चर फर्स्ट था। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको यहां से शुरू करेंगे और बेहतरीन बेहतरीन रूल्स भी बताएंगे आपको, आपको करना इतना है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरा वादा है कि कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, बस आप हमारे साथ बने रहिए, यूं ही आपकी किसी भी एकेडमिक की क्लास हो, इंग्लिश में ग्रामर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। बस बने रहिए हमारे साथ, अपना प्यार हमें यूं ही देते रहिए और स्टे ट्यून्ड विद अस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।